So that test we are going to see here. Now, what is this antimicrobial effectiveness testing? Or it is, in short, it is called as AET, or it is also known as the preservative efficacy testing, or PET. So this is the one test which is used or which is performed to assure the preservative which is present or which is added in the product, or the antimicrobial action produced by that particular product is sufficient to combat, or it is sufficient to fight the introduction of microorganisms, or it is sufficient to fight with the microorganisms which may contaminate that particular pharmaceutical product. क्योंकि ये जो प्रिजर्वेटिव यहाँ पे ऐड किए जाते हैं या फिर जो सब्सटेंसेस वहाँ पे ऐड किए जाते हैं विच आर हैविंग द एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ये प्रिजर्वेटिव और ये एंटी माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस में कुछ कैपेसिटी है या फिर भी कुछ एबिलिटी है बिकॉज ऑफ विच दे कैन प्रिवेंट दी दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दे कैन प्रिवेंट दी दैट स्पॉयलेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हियर. So that is nothing but the so these preservatives or that antimicrobial substances, still they have antimicrobial effect or not, that is checked in this antimicrobial effectiveness testing or antimicrobial efficacy testing. मतलब जो भी केमिकल प्रिजर्वेटिव या फिर जो भी एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो ऐड किए गए हैं, इनमें मतलब एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए जो टेस्ट की जाती है उसे हम कहेंगे एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, और दैट इज कॉल्ड एज दी एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग. ठीक है. सो दिस टेक्निक एज आई टोल्ड हियर इट इज मेंशन और इट इज एक्सप्लेन इन दी यूएसपी 51. सो दिस इन दिस टेस्ट द प्रोडक्ट और दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इट इज इनोकुलेटेड विथ ए कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ दिस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से दैट टेस्ट ऑर्गेनिजम्स, एंड देन द रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट आर कंपेयर्स विद दी लेवल और द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द कंट्रोल सैंपल वर्सेस दी टेस्ट और द टेस्ट सैंपल और द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टिल 28 डेज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड. मतलब अप टू सर्टन इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन के बाद या फिर 7 दिन के बाद, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 21 डेज और आफ्टर 28 डेज. तो इन इंटरवल में ये जो बैक्टीरियल का पॉपुलेशन जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या फिर उस सैंपल में, वो यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद ये फाइंड आउट किया जाता है कि स्टिल और वेदर दैट पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस और वेदर दैट पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस हैज एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑन 7 डेज, ऑन 14 डेज, ऑन 21 डेज और ऑन 28 डेज. मतलब ये हर एक दिन में जो 7, 21, 7, 14, 21, देन 28 डेज में चेक किया जाता है कि जो भी पॉपुलेशन इनिशियली वहां पे ऐड किया था एज अ टेस्ट सैंपल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल सैंपल में, तो उसमें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐड है, उसमें जो एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस ऐड है, इन सब्सटेंसेस का इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ इफेक्ट है या नहीं है, दैट इज चेक इन दिस एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग. ओके. सो हियर देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, सो व्हाट इज दैट एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव और व्हाई दीज आर एडेड. सो जनरली दैट एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव आर दोज सब्सटेंसेस विच आर एडेड इन द नॉन स्टराइल डोसेस फॉर्म्स टू प्रोटेक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ और फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन दैट डोसेस और इन दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हियर. सो दैट इज द मेन पर्पज हियर. एंड अनदर पर्पज इज देयर, जस्ट यस्टरडे मैंने कहा था आपको कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि दैट आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल डोसेस. ओके. सो दैट प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल डोसेस, दैट मीन्स यू हैव टू, बिकॉज इफ दे आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल डोसेस, अगर हम आज कुछ डोस वहां से लेते हैं उस कंटेनर से, उस वायल से फॉर एग्जाम्पल, तो ओपन तो हम उसे करेंगे, तो इसी के साथ वहां पे उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कंटेमिनेशन होता है. कंटेमिनेशन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि दो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एंटरिंग इन दैट कंटेनर फॉर एग्जाम्पल, बट दे डज नॉट डिस्ट्रॉय और स्पॉइल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हियर,
or that if that pathogens enter in that container, for example, or if that microorganisms they enter in the product, so they will multiply. They will multiply, or the number can be increases in that container. तो इसीलिए जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि मल्टीपल डोसेस में अवेलेबल होते हैं, तो उनमें कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव तैयार किए जाते हैं, उनमें कुछ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आज ये डोज मतलब यहाँ पे ले जा रहा है, अगर वो मेडिसिन किसी पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल 20 डेज तक लेना है, इफ दैट पेशेंट हैज टू टेक दैट मेडिसिन और दैट डोसेस फॉर 20 डेज, सो व्हाट विल हैपन इफ दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रो इन दैट प्रोडक्ट। ओके, तो इसीलिए वहां पे कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, वहां पे कुछ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस उसमें ऐड किए गए, इनका इफेक्ट मतलब जब तक वो प्रोडक्ट वहां पे रहेगा कंटेनर में 20 दिन, चाहे वो 1 मंथ के लिए हो, तो उतने दिन तक ये एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस का प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट वहां पे होना चाहिए, सो दैट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर एंटरिंग थ्रू दैट ओपनिंग और दैट लीड। ओके, मतलब उसमें से जो भी एंटर हो रहे तो वो वहां पे एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट होना चाहिए, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन वहां पे होनी चाहिए, चाहे वो 20 दिन के लिए हो, चाहे वो 1 मंथ के लिए या फिर मोर देन दैट। तो इसीलिए ये एंटीमाइक्रोबियल एफिकेसी टेस्टिंग वहां पे की जाती है। और इसका सिंपल प्रिंसिपल जो है, तो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आज अपने ये कंटेनर वहां पे ओपन किया टू टेक अ फर्स्ट डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, और उसके बाद बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वहां पे एंटर हो जाएंगे, एंड आफ्टर एंट्री अगर 10वें दिन अगर आपको वो डोज वहां पे लेना है, और तो एक्चुअली व्हाट शुड हैव टू हैपन हियर कि जो भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे एंटर हुए हैं, एक तो उनका पॉपुलेशन वहां पे बढ़ना नहीं चाहिए, चाहे वो 10 दिन के बाद हो, चाहे वो 21 डेज के बाद हो, चाहे वो 28 डेज के बाद हो। अगर पॉपुलेशन उसी तरह से रहता है या फिर मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, इट स्टिल हैज एंटीमाइक्रोबियल एक्शन। लेकिन आज समझो आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव इनोकुलेटेड 10^5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट प्रोडक्ट इन दिस टेस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, एफिकेसी टेस्टिंग में आपने पहले दिन वहां पे 10^5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनोकुलेट किए, और आपको देखना है कि ये जो एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, ये 10वें दिन में या फिर 21 डे पे इफेक्टिव होता है या नहीं होता है, ये अगर आपको देखना है तो व्हाट यू विल डू। एक्चुअली ये जो हमने पॉपुलेशन यहाँ पे ऐड किए 10^5, तो बिकॉज ऑफ हैविंग दैट एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस इन द प्रोडक्ट, इसका पॉपुलेशन तो वहां पे कम होना चाहिए बिकॉज यू हैव एडेड दैट एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस। लेकिन अगर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस का इफेक्टिवनेस 10वें दिन से कम होने लगा है, तो व्हाट विल हैपन, तो ये जो 10^5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने इनोकुलेट किए थे, तो इनका पॉपुलेशन वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप 21 डेज पे आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि इस बैक्टीरिया का पॉपुलेशन वहां पे बढ़ चुका है। और दैट सो इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, सो इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 21 डेज पे आपको दिखा कि हमने तो इनोकुलेट 10^5 किए थे, लेकिन अब बैक्टीरियल पॉपुलेशन नंबर यहाँ पे बढ़ चुका है, फॉर एग्जाम्पल इट बिकम्स 10^10, अगर पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, इनोकुलेट आपने कहे थे 10^5, और जब 21 डेज पे आपने मतलब कल्चरिंग किया तो आपको दिखा कि ये पॉपुलेशन वहां पे बढ़ चुका है, एंड दैट बिकम्स 10^10 फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस इसमें ऐड किए थे वो अभी काम नहीं कर रहे, मतलब उनका इफेक्टिवनेस वहां पे कम हो चुका है। तो ये एक्चुअली अगर होता है तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डज नॉट कंप्लाई विद दी दैट एंटीमाइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग, और इट डज नॉट पासेस दी एंटीमाइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग। लेकिन उसी ऑन द अदर हैंड आपने 10^5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले दिन इनोकुलेट किए, जब आपने 7वें दिन कल्चरिंग किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो आपको दिखा कि ये जो पॉपुलेशन 10^5 किया था इनोकुलेट,
ये अभी कम हो गया है एंड दैट विल बिकम फॉर एग्जाम्पल 10^4। फिर से आपने वही इंक्यूबेशन के लिए रख दिया और 14 डेज पे फिर से आपने ऑब्जर्व किया, कल्चरिंग किया और आपको दिखा कि ये फिर से पॉपुलेशन ने कम हो चुका है, दैट मीन्स एंड इट विल बिकम 10^3 फॉर एग्जाम्पल। और आपने जब 28 डेज पे फिर से आपने ऑब्जर्व किया, कल्चरिंग किया एंड ऑन दैट डे यू विल फाइंड दैट दैट पॉपुलेशन फर्दर डिक्रीजेस एंड फॉर एग्जाम्पल दैट बिकम्स 10^1। तो ये जो पॉपुलेशन था आपका पहले दिन से 28 दिन तक ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो प्रिजर्वेटिव वहां पे प्रेजेंट है, स्टिल दैट सब्सटेंस और दैट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इज एक्टिव ऑन 28 डेज ऑल्सो। हाउ वी कैन से दैट, ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने पहले दिन पे 10^5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनोकुलेट किए थे, लेकिन जब 28 डेज पे हमने ऑब्जर्व किया तो पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है और दैट बिकम्स 10^1। तो ये अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का मल्टीप्लीकेशन तो वहां पे नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हमने इनोकुलेट किए थे उनका नंबर भी वहां पे कम हो रहा है, दैट बैक्टीरिया दे आर किल्ड फॉर एग्जाम्पल, ओके, और दे आर डिस्ट्रॉयड। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस और इट कंसिस्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स, एंड इसी की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे इनिबिट हो रही है और बैक्टीरिया वहां पे किल हो रहे। अगर 28 डेज पे भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन वहां पे कम हुआ है, तो इसका सीधा मतलब है कि स्टिल विच एवर दैट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन दैट एंटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इट हैज और इट इज इफेक्टिव ऑन 28 डेज ऑल्सो। तो यही प्रिंसिपल है एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग का और एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग का। तो ये जो टेस्ट परफॉर्म की जाती है फॉर फॉर द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट, वट एवर दैट प्रोडक्ट आर हियर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सो दिट आर डिवाइडेड इन टू 4 सेपरेट कैटेगरीज। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 1 में जो इंक्लूड किए गए हैं वो इंजेक्शंस है, पेरेंटरल्स है दैट इज इमल्शंस, देन ओटिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, स्टेराइल नेजल प्रोडक्ट्स, एंड दीज आर मेड विद द एक्वेस बेसिस और द सम व्हीकल्स। कैटेगरी 2 में जो प्रोडक्ट इंक्लूड किए गए हैं उसमें है दैट टॉपिकली यूज प्रोडक्ट्स, देन नॉन स्टेराइल नेजल प्रोडक्ट्स, देन इमल्शंस एंड सम इंक्लूड दोज इमल्शंस विच आर अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। कैटेगरी 3 में जो प्रोडक्ट इंक्लूड किए गए हैं उसमें ओरल प्रोडक्ट्स अदर देन एंटासिड्स एंड विच आर जनरली मेड विद द एक्वेस बेसिस और व्हीकल्स। देन कैटेगरी 4 में जो प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं दैट इंक्लूड्स दिस एंटासिड्स मेड विद द एक्वेस बेसिस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर क्लासिफाइड फॉर दिस और फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग, एंड दैट इंक्लूड्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। सी दीज आर दैट प्रोडक्ट्स हियर, सो दैट कैटेगरी 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड्स द इंजेक्शंस, पेरेंटरल्स, इमल्शंस, ऑटिक प्रोडक्ट्स, स्टेराइल नेजल प्रोडक्ट्स, देन ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। देन कैटेगरी 2 में जो प्रोडक्ट्स है ये है दोज प्रोडक्ट्स विच आर मेड विद द दैट इज टॉपिकली यूज प्रोडक्ट्स ऑन द स्किन, देन नॉन स्टेराइल नेजल प्रोडक्ट्स, इमल्शंस एंड विच आर अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑल्सो। कैटेगरी 3 में जो इंक्लूड किए गए हैं दैट इंक्लूड्स ओरल प्रोडक्ट्स अदर देन एंटासिड्स, एंड कैटेगरी 4 इंक्लूड्स द एंटासिड्स विच आर मेड विद द एक्वेस बेसिस। सो जैसे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग, तो एक पॉसिबल यहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है कौन से बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकता है और दैट प्रोडक्ट कैन बी अलाउ द ग्रोथ ऑफ दैट बैक्टीरिया। तो अकॉर्डिंग टू दैट देर आर फाइव डिफरेंट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज हियर, एंड दैट 3 इंक्लूड्स द बैक्टीरिया एंड 2 इंक्लूड्स द 1 इज यीस्ट एंड द मोल्ड। सो दैट बैक्टीरिया और वी कैन से दीज आर एज अ टेस्ट ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो दीज टेस्ट ऑर्गेनिजम्स एज पर USP 51 दीज आर कंसिडर्ड एज अ इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स एंड दैट कैन बी पर्पज ऑफ द चैलेंजिंग टू द प्रिजर्वेटिव सिस्टम प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये 5 टेस्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज किए जाते हैं अगर आपको
एंटीमाइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग वहां पे करनी है तो, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स, वन इज द इशरिशिया कोलाई, सेकंड वन इज सीडोमोनास एरोजिनोसा, थर्ड वन इज स्टैफिलोकोकस ऑरियस, देन दैट कैंडिडा अल्बिकन्स एंड द एस्परजिलस नाइजर्स। सो दिस थ्री बैक्टीरिया एंड टू वन दैट इज द मोल्ड एंड ईस्ट, दे आर कंसिडर्ड एज द टेस्ट ऑर्गेनिज्म और द इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स, ओके। एंड दीज कल्चर्स दैट टेस्ट ऑर्गेनिज्म दीज आर टेकन और दैट कैन बी यूज फ्रॉम द अमेरिकन टाइप ऑफ कल्चर कलेक्शन, क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट आप एज अ स्टैंडर्ड करके यूज करते हो या फिर पर्टिकुलर गाइडलाइंस के थ्रू कंडक्ट करते हो, तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द कल्चर्स फ्रॉम द कल्चर कलेक्शन सेंटर्स, एंड हियर दैट इज वन, दैट वन इज द अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन और ATCC, ओके। सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर यूज एज अ टेस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर दिस एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग, ओके। एंड that can be grown or that can be selected or that can be taken from the ATCC. So next point is here, preparation of the inoculum, because first what you have to do, क्योंकि जो भी टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये जो इनोकुलम है, वहां पे हमें ऐड करना है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन उसका, उन बैक्टीरिया का, और वो बाद में हमें चेक करना है कि जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, इसका कोई इफेक्ट जो बैक्टीरिया हमने इनोकुलेट किए हैं उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर द इनोकुलम। सो हाउ टू प्रिपेयर दैट इनोकुलम विच शुड बी एडेड इन दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हियर फॉर द एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग। सो यू हैव टू इनोकुलेट द सर्फेस ऑफ द सुटेबल वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड अगार मीडियम from the stock culture of each of the specified microorganism or the test microorganism। मतलब पहले तो हमें जो स्टॉक हमारे पास है, जो कल्चर हमने मंगवाए हैं या फिर है प्रिजर्व किए गए हैं फॉर द और इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसमें से जो हमारे कल्चर चाहिए हमें एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग के लिए, वो कल्चर लेके हमें पहले सॉलिड मीडियम पे अगार पे वहां पे हमें स्ट्रिकिंग करना है, इनोकुलेट करना है to allow the growth of that microorganisms, okay? And the culture conditions or the parameters for the development of that inoculum that can be like this here. So, जो भी मतलब culture हम inoculate करोगे different media पे, तो उनके लिए जो inoculation time है, incubation time है, तो वो इस तरह से, या फिर temperature है, that should be like this. For example, soybean केजिन डाइजेस्ट ब्रॉथ और सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट अगार, इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो रहेगा वो 32.5 प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस, देन इंक्यूबेशन टाइम जो रहेगा इनोकुलम डेवलपमेंट के लिए वो रहेगा 18 to 24 hours, एंड माइक्रोबियल रिकवरी इंक्यूबेशन टाइम दैट इज आफ्टर 3 to 5 days। मतलब उसके बाद हम ये कल्चर या फिर टेस्ट ऑर्गेनिज्म एज अ इनोकुलम करके वहां पे यूज कर सकते हैं। सो एज अ इनोकुलम फॉर to check the antimicrobial effectiveness of that pharmaceutical product. Then another one is here, that is soybean casein digest. So this is for the different incubation temperatures here or like this here, and incubation period is also different. So 44 to 52 hours or sorbitol dextrose agar or broth. So this is for the fungal growth or that yeast growth. So like that cultures or the incubation period, incubation temperature, and that time should be selected. And what we have seen here, that media which is used, that is soybean casein digest medium or the sorbitol dextrose agar medium. So these two media are used here, and according to the culture that microorganisms can be grown, and finally that can be used as an inoculum in the pharmaceutical products here, okay. So here the colony or the initial culture we can say here, or initial colony forming units we can say, that should be 4 × 10⁸ colony forming units per ml. So matlab ye approximately ye population calculate karke hum wahan pe that culture or that inoculum can be added in the product here, okay. So is tarah se ye incubation temperature, incubation time, or
micro recovery of microorganisms for the inoculum, so that can be done. उसके बाद एक बार इनोकुलम डेवलप हो गया तो उसके बाद प्रोसीजर क्या है. सो वंस नाउ वी आर हैविंग द इनोकुलम, नाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस एंटी माइक्रोबियल एफिकेसी टेस्ट बाय यूजिंग दैट इनोकुलम, बाय यूजिंग दैट टेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस टेस्ट एंटी माइक्रोबियल एफिकेसी टेस्टिंग दैट कैन बी कंडक्टेड आइदर इन 5 ओरिजिनल कंटेनर्स इफ सफिशियंट वॉल्यूम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन ईच कंटेनर एंड द प्रोडक्ट कंटेनर कैन बी एंटर्ड असेप्टिकली, और समटाइम्स इन 5 स्टराइल कैप्ड, दैट इज सेपरेटली कंटेनर्स वी कैन सी हियर विच आर स्टराइल. सो दैट 5 स्टराइल कैप्ड कंटेनर्स और दैट बैक्टेरियोलॉजिकल कंटेनर्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर द एंटीमाइक्रोबियल एफिकेसी टेस्टिंग. नाउ यू आर हैविंग द प्रोडक्ट हियर, यू आर हैविंग द मीडियम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इनोकुलेट ईच कंटेनर विथ वन ऑफ द प्रिपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इनोकुलम एंड देन यू हैव टू मिक्स इट. ओके, जो इनोकुलम आपने प्रिपेयर किया है वही इनोकुलम यूज करके आपको ये जो आपका प्रोडक्ट है वहां पे आपको इनोकुलेट करना है. एंड दैट इनोकुलम वॉल्यूम, जो भी इनोकुलम वहां पे हम यूज करते हैं, सो दैट इनोकुलम वॉल्यूम दैट शुड बी सस्पेंशन ऑफ विच इज यूज इन द 0.5% टू 1%. ओके, 0.5% या फिर 1% हम ये इनोकुलम वहां पे यूज करना है. एंड दैट इज फॉर द प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 कैटेगरी. ये 3 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट 3 कैटेगरी के, उनके लिए जो इनोकुलम यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट इज 0.5% टू 1%. ओके, सो आफ्टर इंक्यूबेशन, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इट फॉर दी आफ्टर इंक्यूबेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इट फॉर दी इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, सो एट टेम्परेचर एंड फॉर इंक्यूबेशन यू हैव टू कीप इट. एंड जो इनिशियल इनोकुलम, जैसे पहले मैंने बोला कि दैट शुड बी बिटवीन 1 × 10^5 और 1 × 10^6 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एमएल ऑफ दी प्रोडक्ट. तो इतना इनोकुलम यहाँ पे हमें इनोकुलेट करना है. एंड फॉर कैटेगरी 4 दैट इज फॉर एंटी एसिड्स, द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टेस्ट प्रिपरेशन, द इनोकुलम और इनोकुलम साइज वी कैन से हियर इट शुड बी 1 × 10^3 टू 1 × 10^4 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर एमएल ऑफ दी प्रोडक्ट. ओके, तो ये इनोकुलम जब हम इनोकुलेट करेंगे देन ऑल कंटेनर्स यू हैव टू इनक्यूबेट एट 22.5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो एंड आफ्टर इनोकुलेशन इनक्यूबेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दैट ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व ऑन 7th डे, ऑन 14th डे, ऑन 21th डे और ऑन 28 डेज. ओके, तो किस तरह से आपका जो रिजल्ट आएगा या फिर होना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि अगर जो प्रोडक्ट वहां पे, प्रोडक्ट में जो एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस है, जो प्रिजर्वेटिव वहां पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आपको मतलब रिजल्ट वहां पे मिलने चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया अगर हम वहां पे कंसिडर करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर हम कंसिडर करेंगे तो नॉट लेस देन 1 log reduction. ओके, नॉट लेस देन 1 log reduction फ्रॉम द इनिशियल कैलकुलेटेड काउंट एट द 7 डेज. मतलब जब आप पहली टेस्ट या फिर ऑब्जर्वेशन ले लेंगे या फिर कल्चरिंग कर देंगे ऑन 7th डे, तो आपका जो रिजल्ट वहां पे आना चाहिए कि अगर वो जो एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है वो अगर इफेक्टिव है ऑन 7th डे अल्सो, तो वहां पे जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कम होना चाहिए वो कितना कम होना चाहिए, 1 log reduction. ये मैं समझाऊंगा आपको कि व्हाट इज दैट 1 log reduction या फिर मतलब किस तरह से ये पॉपुलेशन वहां पे हम डिसाइड करते हैं. ओके, लेकिन या फिर 1 log cycle हम वहां पे कहेंगे, तो 1 log reduction यहाँ पे कम होना चाहिए. तो देन बट नॉट लेस देन 3 log reduction फ्रॉम द इनिशियल काउंट एट 14 डेज. सो आफ्टर 7 डेज अगेन दैट इज ऑन 14 डेज आप जब टेस्ट करोगे, आप जब कल्चरिंग करोगे, तो उस वक्त आपका जो रिजल्ट होना चाहिए नॉट लेस देन 3 log reduction. मतलब 3 log reduction तो वहां पे होने चाहिए 14 डेज पे, क्योंकि
क्योंकि अगर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस इफेक्टिव है तो सातवें दिन तक वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करेगा एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस। फिर से अगर आप मतलब वो बैक्टीरिया उसमें रखोगे, प्रोडक्ट में रखोगे, तो 14 डेज पे फिर से बैक्टीरिया का पॉपुलेशन वहां पे कम हो जाएगा, तो वहां पे जो लॉग रिडक्शन है वो बढ़ जाएंगे, 3 log reduction एंड नो इंक्रीज फ्रॉम दी 14 डेज काउंट एट 28 डेज। और फिर उसके बाद जो जब आप 28 1 डेज या 28 डेज पे आप जब कल्चरिंग करोगे तो वहां पे कुछ भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट दैट पॉपुलेशन शुड बी लेस। ये इस 10 बोल्ड्स के बारे में, नो इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल कैलकुलेटेड काउंट ऑन 7, 14 एंड 28 डेज। ये प्रोडक्ट वन के लिए रिजल्ट है। प्रोडक्ट कैटेगरी टू के लिए जो है बैक्टीरिया के लिए, अगर हम देखेंगे ऑन 7th डे फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ऑन 14 डेज, नॉट लेस देन 2 log reductions फ्रॉम द इनिशियल काउंट एट 14 डेज, ओके, एंड नो इंक्रीज फ्रॉम द 14 डेज काउंट एट 28 डेज। ये हो गए बैक्टीरिया के बारे में, मतलब 2 log reduction एटलीस्ट वहां पे होने चाहिए। इस 10 मोल्ड के बारे में, नो इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल कैलकुलेटेड काउंट, मतलब जो आपने पहले इनिशियल जो काउंट था आपका, उसके बाद में वहां पे कोई भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन ईस्ट मोल्ड का बढ़ रहा है, इसका मतलब है एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस वहां पे कम हो गया, या फिर प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस वहां पे कम हो गया। कैटेगरी 3 के लिए बैक्टीरिया के लिए नॉट लेस देन 1 log reduction एंड ईस्ट 10 मोल्ड्स के लिए दिस वन। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे मतलब रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है, और जो लॉग वैल्यूज है ये सी दिस डायग्राम हियर, ओके, सो आई विल एक्सप्लेन डायरेक्टली दैट डायग्राम हियर, मतलब कैसे आपको रिजल्ट काउंट आउट करना है। कि जो मैंने लॉग रिडक्शन यहां पे बोला है, क्योंकि पहले दिन जितने बैक्टीरिया आप इनोकुलेट कर रहे हो, अगर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इफेक्टिव है, 7वें दिन इफेक्टिव है, 14 डेज पे भी इफेक्टिव है, 28 डेज पे भी इफेक्टिव है, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन आपने मतलब जिसने जिसे हमने इनोकुलम बोला है, जो इनोकुलम हमने इनोकुलेट किया था, वो इनोकुलम डे बाय डे वहां पे कम होना चाहिए, क्योंकि प्रिजर्वेटिव वहां पे इफेक्टिव है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इफेक्टिव है। अगर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इफेक्टिव है तो उसका पॉपुलेशन वहां पे कम होना चाहिए, ओके। अदरवाइज व्हाट विल, अगर सपोज एक समझो कि एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो हमने ऐड किया था उसका इफेक्ट अभी कोई भी नहीं वहां पे नहीं रहा है, इट इज नॉट इफेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल 7वें दिन तक हमने देखा कि कुछ पॉपुलेशन वहां पे कम हो गया बैक्टीरिया का, ओके, और ये कम हो गया इसका मतलब है 7वें दिन तक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस वहां पे इफेक्टिव था, लेकिन उसके बाद जब हमने 14 डेज पे फिर से टेस्ट की तो वहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो 7वें दिन में पॉपुलेशन वहां पे कम हो गया था वो तो बहुत नंबर से या फिर बहुत पॉपुलेशन वहां पे बढ़ चुका है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 14 डे पे अगर बैक्टीरिया का पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट था उस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का, ये 7वें दिन तक ही था, उसके बाद तो पॉपुलेशन वहां पे बढ़ गया। पॉपुलेशन वहां पे बढ़ गया इसका मतलब है एंटी माइक्रोबियल का जो इफेक्ट था वो अब कम हो गया, एंड दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ दैट बैक्टीरिया और दैट ईस्ट 10 मोल्ड्स दैट इज इंक्रीजिंग, मतलब वहां पे एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस कम हो गया, ओके। तो और उसमें जो कम जब होता है तो वहां पे हम इसे लॉग रिडक्शन में काउंट करते हैं, सो ओके, सो दिस इज काउंट इन दी लॉग रिडक्शन। सो व्हाट इज दैट लॉग रिडक्शन हियर, सो लॉग रिडक्शन में मतलब इसका मतलब क्या है कि जस्ट कंसिडर जो इनिशियल पॉपुलेशन हमने इतना ऐड किया था, फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, सो इनिशियल पॉपुलेशन यहां पे हमने ऐड किया था, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो ये जो नंबर है फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, ओके, सपोज ऑन फर्स्ट डे द पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स विच आर इनोकुलेटेड इन प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 1 करोड़, ओके। अभी 1 log reduction का मतलब क्या है, इस पॉपुलेशन में जब 1 log reduction होता है इसका मतलब क्या, तो दिस वन ईयर सी, ये जो 1 करोड़ पॉपुलेशन यहां पे था, 1 log reduction का मतलब है अभी ये जो पॉपुलेशन सर्वाइव कर रहा है ये है 10 लाख, दिस इज 10 लाख, मतलब 1 log reduction दैट मीन्स 90% किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके।
जो 1 करोड़ बैक्टीरिया यहाँ पे थे, 1 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे थे, और 1 लॉग रिडक्शन के बाद या फिर उनका जो नंबर्स वहां पे या फिर जो सर्वाइवर्स है वो कितने हैं, 10 लाख है। तो 90% पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो गया। ओके, उसके बाद फिर से अगर हम 2 लॉग रिडक्शन हम देखेंगे, ये 2 लॉग रिडक्शन है, 2 लॉग मतलब सेकंड लॉग रिडक्शन, 1 लॉग रिडक्शन होने के बाद पॉपुलेशन कितना था, 10 लाख, फिर से पॉपुलेशन कम हो गया, 1 लॉग रिडक्शन एक और हो गया और वहां पे पॉपुलेशन हो गया 1 लाख पॉपुलेशन। सो दिस इज अगेन 99% किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हियर आफ्टर 2 लॉग रिडक्शन। ओके, देन सपोज 3 लॉग रिडक्शन हो गए। अभी 3 लॉग रिडक्शन का मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 10,000 है। ओके, यहाँ पे आफ्टर 2 लॉग रिडक्शन दैट पॉपुलेशन वॉज 1 लाख, आफ्टर 1 लॉग रिडक्शन दैट पॉपुलेशन वॉज 10 लाख। ओके, एंड द इनिशियल पॉपुलेशन वॉज 1 करोड़, लेकिन जब वहां पे 1 लॉग रिडक्शन हो गया तो पॉपुलेशन 10 लाख मतलब इतने कम हो गए, वहां पे 90% किलिंग हो गया, फिर से और 1 लॉग रिडक्शन हो गया और पॉपुलेशन हो गया दैट इज 1 लाख। ओके, सो और फिर से 1 लॉग रिडक्शन हो गया मतलब आफ्टर 3 लॉग रिडक्शन दैट पॉपुलेशन बिकम्स 90, और दैट देर इज अ किलिंग ऑफ 99.9%। 4 लॉग रिडक्शन पे जो पॉपुलेशन आ गया ये आ गया 1,000। ओके, और जब और 1 लॉग रिडक्शन हो गया मतलब 5 लॉग रिडक्शन, फिर से वो पॉपुलेशन कम हो गया एंड दैट बिकम्स 100 इस तरह से, एंड आफ्टर 7 लॉग रिडक्शन दैट पॉपुलेशन बिकम्स 0। तो इस तरह से ये लॉग रिडक्शन हम मतलब काउंट करते हैं, जिसमें कि इफ देर इज अ 1 लॉग रिडक्शन सो दैट पॉपुलेशन बिकम्स 90% और दैट किलिंग ऑफ 90%। इफ 2 लॉग रिडक्शन देर इज अ किलिंग ऑफ 99%, फिर जाए आपका इनोकुलेशन वहां पे कितना भी हो। ओके, यहाँ पे 1 करोड़ का एक एग्जाम्पल दिया है, तो 1 लॉग रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे 10 लाख पॉपुलेशंस, 10 लाख मतलब 90% बैक्टीरिया आर किलिंग, और जो सर्वाइवर्स है वो कितने रहे है फिर, सो दैट इज बिकम लाइक दैट। यार इज इट विजिबल? यस, एम आई ऑडिबल? ओके, तो इस तरह से यहां पे ये लॉग रिडक्शन होता है और वही हमें यहां पे काउंट करना है इस तरह से। ओके, लॉगरिथमिक रिडक्शन इज वैलिडेटेड एट ईच टेस्ट इंटरवल। ईच टेस्ट इंटरवल मतलब यहां पे 7 डे, 14 डेज, 21 डेज एंड 21। हाँ, यस यस यस, ओके, जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा सा मतलब जब कोई बीच में एंट्री वेटिंग में होता है तो ये प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि एडमिट मैं ही कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है, और उनको अलाउ करने गए तो ये स्क्रीन स्टॉप हो जाती है इधर। ठीक है, अभी विजिबल है ये, तो मतलब ये दिखी पूरी स्क्रीन आपके, मतलब हाउ दैट लॉग रिडक्शंस आर कैलकुलेटेड और हाउ देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये दिखा ना पूरा आपको, ये जो स्क्रीन हमने मैंने शेयर की थी यहाँ पे। सो इन दिस वे दैट रिजल्ट यू हैव टू कैलकुलेट हियर, मतलब कितना वहां पे डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, और इस पे हमें पता चलता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस और वेदर दैट प्रिजर्वेटिव इज इफेक्टिव और नॉट। ओके, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे मैंने प्रोसीजर में हमने देखा कि जो इनोकुलम हम पहले दिन इनोकुलेट कर रहे हैं और 7वें दिन जब हम देखते हैं तो रिडक्शन वहां पे कितना होना चाहिए, या फिर हम कैसे किस तरह से रिजल्ट लेते हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह से का रिजल्ट हमें यहाँ पे लेना चाहिए कि कैटेगरी 1 के अगर प्रोडक्ट है तो नॉट लेस देन 1 लॉग रिडक्शन, मतलब एटलीस्ट 1 लॉग रिडक्शन पॉपुलेशन वहां पे डिक्रीज होना चाहिए। ओके, तो तब हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और प्रिजर्वेटिव इट इज इफेक्टिव। ओके, इस तरह से रिजल्ट अगर आते हैं तो, एंड दैट लॉग रिडक्शन रिजल्ट्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस ईयर। तो सो दिस इज अबाउट दी दैट एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिव टेस्टिंग एंड दैट प्रोसीजर और द इनोकुलम डेवलपमेंट ईयर। सो हाउ मच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट ईयर? सो इफ द प्रोडक्ट और दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इफ इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, देन द वॉल्यूम विच इज टू बी यूज फॉर द सैंपल और एज अ सैंपल इट शुड नॉट बी लेस देन
20 ml, or that not less than 20 ml is preferred. Then when the substance or the product is granular or in the powder form, so then 20 gram weight of that product is preferred. And the validation of this product requires the additional 100 ml or the 100 ml or in 100 grams. So this is about the and this is the testing intervals. So that I for example 7 days, then after that 14 days, then 21 days and the 28 days. और जब चार टेस्ट आप यहाँ पे कर रहे हो ऑन 7, 14, 21 and 28 days, तो व्हाट यू हैव टू डू, सो और व्हाट शुड बी आवर रिजल्ट, अगर रियली सच में अगर जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एंड ये इफेक्टिव है, सातवें दिन भी इफेक्टिव है, 14 डेज में भी इफेक्टिव है, इट इज इफेक्टिव ऑन 21 डेज ऑल्सो एंड इट इज इफेक्टिव ऑन 28 डेज ऑल्सो, अगर इस तरह से इफेक्टिवनेस है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस वहां पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, दिस इज स्टिल इफेक्टिव, स्टिल इफेक्टिव इन द सेंस इट स्टिल हैज द एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ओके। लेकिन इसमें अगर कुछ पॉपुलेशन वहां पे बढ़ जाता है बैक्टीरिया का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, सो सातवें दिन तक ही वो इफेक्टिव था, क्योंकि उस तक उस दिन तक वो पॉपुलेशन वहां पे कम हुआ था, लेकिन उसके बाद एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का इफेक्टिवनेस कम हो गया एंड दैट पॉपुलेशन गेट इंक्रीजेस। मतलब अगर ग्राफ में भी कुछ यहाँ पे होता है, तो अगर पॉपुलेशन समझो यहाँ पे 1 log रिडक्शन यहाँ पे हो गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके बाद अगर ये पॉपुलेशन ये ग्राफ जो है ये इस तरह से जाता है, तो उसका मतलब क्या है, इस तरह से अगर जाता है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गया, ओके। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा है, सो दैट मीन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और द प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इट लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस और इट इज नॉट इफेक्टिव ऑन और आफ्टर 7 days फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन मतलब रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन वहां पे होता है एंड फाइनली फिर अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो उसके बाद ये जो मतलब जो प्रोडक्ट है तो उसमें फिर से ये एक तो फार्मास्यूटिकल जो प्रिजर्वेटिव्स हैं फिर से वो वहां पे ऐड करने पड़ेंगे एंड दैट इफेक्टिवनेस विल बी चेक्ड हियर, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये अगर आप 1 महीना तक आपको यूज करना है या फिर एज अ ट्रीटमेंट करके, तो उतने दिन तक वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से अच्छी कंडीशन में वहां पे रहना चाहिए एंड दैट कैन बी हैपन और दैट विल हैपन ओनली इफ दैट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इज इफेक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ दैट डोज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पे तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उनको मालूम ही होता है कि चलो भाई ये डोज पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा इतना दिया जाता है एक दिन में सपोज 5 ml और ये अगर 50 ml की बॉटल है तो 10 दिन तक तो ये मतलब डोज लेना पड़ेगा पेशेंट को, अगर 10 दिन तक ये डोज पेशेंट को लेना पड़ेगा तो जो जो प्रिजर्वेटिव उसमें डाले हैं, जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस उसमें डाले हैं, तो उनकी एक्टिविटी उनका इफेक्टिवनेस एटलीस्ट 10 दिन तक तो वहां पे उस प्रोडक्ट में होना चाहिए, या फिर 2 ही दिन तक अगर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का इफेक्टिवनेस है तो 3रे दिन से उसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, और एक तरफ से अगर वो पेशेंट एज अ डोज करके उस मेडिसिन को उस ड्रग्स को ले रहा है ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट करके, और दूसरी तरफ ही इज टेकिंग ऑल्सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हिज बॉडी थ्रू दैट डोज और थ्रू दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसलिए ये टेस्टिंग वहां पे होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग और दैट इज कॉल्ड एज द प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिव टेस्ट फिनिश हो गया। नाउ आई विल शेयर दी अनदर पीपीटी हियर, जस्ट 1 मिनट, यस दैट स्लाइड्स आर मूविंग और नॉट, ओके ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट टेस्ट हियर, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द माइक्रोबायोलॉजिकल बेस्ट लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस mostly, actually this is not a technique or there is no any procedure, but when you are working in the quality control department as a microbiologist or as a quality control microbiologist or as a quality controller, so at that time
there are some guidelines we can see here that must be followed when you are working in the microbiology laboratory in any pharmaceutical companies or any other industries, for example. So because just whatever that guidelines are here, they are generally common, okay? But in case so that's why we are going to see here, and these are generally called as the good laboratory practices. So in this test that is mentioned or explained in the United States Pharmacopoeia 1117, and the name of that chapter in USP that is called as the microbiological best laboratory practices. So these good laboratory practices or microbiological best laboratory practices, that includes the different types of activities, and that are specifically based on these different principles. So whatever technique you are going to perform or whatever work you are going to perform in microbiology laboratory, that is nothing but the, or that should be performed in an aseptic condition. Then control of media, that is the growth control in the media, then control of test strains or the test organisms, then operation and the control of equipment or that instruments, then recording as well as evaluation of data. So whatever that results you will obtain, whatever that data you are having, so you have to evaluate that, you have to record that. क्योंकि जो भी टेस्ट आप वहां पे करते हो, जो भी टेक्निक्स या टेस्ट आप परफॉर्म करते हो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या फिर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उसका रिकॉर्डिंग आपको वहां पे करना पड़ता है, जिससे हम डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द ऑडिटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और दैट डिपार्टमेंट. ऑडिटिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ये सब जो रिकॉर्डिंग है वो भी वहां पे मेंटेन करना पड़ता है. तो पहली जो मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें, दैट इज माइक्रोबायोलॉजिकल बेस्ड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में, वो है मीडिया प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल. ओके, तो कल्चर मीडिया ऑफ, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट दैट न्यूट्रिएंट मीडिया और द कल्चर मीडिया, दिस इज द मेन बेसिस फॉर द ऑल वी कैन सी हियर और मेनी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट. जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आपको परफॉर्म करने है, या फिर हमने आज मतलब अभी तक जो जगह, चाहे वो स्टरलिटी टेस्टिंग हो, चाहे वो माइक्रोबियल लिमिट टेस्टिंग हो, चाहे वो एंटी माइक्रोबियल इफिकेसी टेस्टिंग हो, चाहे वो एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग हो, मतलब यहाँ पे तो हमें न्यूट्रिएंट मीडिया तो वहाँ पे लगता ही है. ओके, एंड देयरफॉर सेफ गार्डिंग द क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म, या फिर आपको रिजल्ट वहाँ पे अच्छे आने चाहिए. क्योंकि ये जो जैसे हम वहाँ पे कुछ करते हैं एज अ क्यूरिकुलम और एज अ सिलेबस, तो वहाँ पे उतना कुछ नहीं मतलब ये कर सकते, लेकिन जब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर टेस्ट इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एट दैट टाइम दैट रिजल्ट और द क्वालिटी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट मीडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द सक्सेस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कैन बी ऑकर हियर. एंड दैट मीडिया प्रिपरेशन, देन प्रॉपर स्टोरेज as well as quality control testing, that can be consisting of the supply of, or that depends on the supply of high quality nutrient media. तो ये जो भी nutrient media यहाँ पे use किए जाते हैं pharmaceutical companies में या फिर industries में, तो ये high quality nutrient media होते हैं, and therefore to proper result of any test or microbiological test, it is very important to choose the proper or the correct nutrient media or their components, so that that generally that dehydrated medias are now available, but if you are preparing that nutrient media in the laboratory or in the microbiology lab, then it is very essential to use the high quality components of that particular nutrient media, and that can be prepared according to the formulas which are used to prepare the nutrient media. Then we also know that different types of media or nutrient media, they have the different parameters here. For example, in some cases or for some types of nutrient media, there is a heating is required. In some media, there is some additives should be added, then pH should be adjusted, and that's why it is very important to follow all the instructions which are required for the preparation of that nutrient media. चाहे वो आप कंपोनेंट्स ऐड करके वो न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर
आप रेडी टू यूज या फिर जैसे हम डिहाइड्रेटेड मीडिया कहते हैं वो भी आप यूज कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला एक तो आपको वो न्यूट्रिएंट मीडिया वहाँ पे प्रिपेयर करना है, और कुछ जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे सजेस्ट की गई है वहाँ पे मेंशन की गई है, समटाइम्स हीटिंग, एडिशन ऑफ एडिटिव्स और पीएच एडजस्टमेंट, तो वो भी वहाँ पे प्रॉपरली या प्रॉम्प्टली करनी चाहिए। तो एट दैट टाइम ओनली दैट न्यूट्रिएंट मीडिया विल गिव दी गुड रिजल्ट्स और द प्रॉपर रिजल्ट्स। ओके, तो इस तरह से उसके बाद जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपरेशन में वो है वाटर। ओके, एंड जनरली दैट प्यूरिफाइड वाटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, एंड इन सम केसेस दैट डीआयोनाइज्ड और द डिस्टिल वाटर कैन बी यूज्ड। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ द, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एवर दैट वॉल्यूम यू आर यूजिंग, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या फिर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जब आप कोई टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उसके लिए जो भी स्टेप्स आप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द यूएसपी और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, तो उन सब का रिकॉर्ड आपको वहां पे रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि जो भी टेस्ट आप वहां पे परफॉर्म कर रहे हो उसका रिकॉर्डिंग आपको वहां पे करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग इन द सेंस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग, न्यूट्रिएंट मीडिया या फिर उनके कंपोनेंट जो है वो आप कितने यूज कर रहे हो, क्योंकि जब ऑडिटिंग होती है तो ये फिर चेक किया जाता है कि वेदर यू फॉलो दैट पर्टिकुलर गाइडलाइंस और नॉट। अगर ये आपके पास, तो ऐसे तो नहीं चला गया कि चलो भाई आप ऑडिटिंग के लोग आ गए और आपने बोल दिया कि हाँ हमने जो गाइडलाइंस दिए थे या फिर जो यूएसपी ने पूरा लिखा था या फिर जो गाइडलाइंस थे उनके अकॉर्डिंगली हमने ये सब किया है। ओके, तो ये अगर आप मुंह से बोले तो वो तो मतलब कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन तो इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटी कंट्रोल और इन द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना है तो क्या क्या वहां पे करना पड़ता है। देन कंसिस्टेंट प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया विच रिक्वायर्स एक्यूरेट वेइंग ऑफ द डिहाइड्रेटेड मीडिया और देयर कंपोनेंट्स। तो ये तो मतलब नॉर्मल है कि हमें ये पता है कि अगर हमें कुछ मीडिया प्रिपेयर करना है तो हमें प्रॉपर वेइंग वहां पे करना पड़ता है, चाहे वो डिहाइड्रेटेड मीडिया है चाहे वो उनके कंपोनेंट्स हो। देन कैलिब्रेशन कैलिब्रेटेड बैलेंस विथ अप्रोप्रिएट वेट रेंज फॉर द इनग्रेडियंट शुड बी यूज, मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हम वहां पे यूज करते हैं तो उसका भी वहां पे कैलिब्रेशन होना चाहिए। कैलिब्रेशन होना चाहिए मतलब कि वहां पे जैसे हम कभी दुकान में जाते हैं तो वहां पे अगर बैलेंस मतलब जीरो करना पड़ता है वहां पे हमें, मतलब ये सिंपल एक एग्जांपल हम बता सकते हैं कि कैलिब्रेशन का एग्जांपल क्या है, कि जब भी हम कोई दुकान में जाते हैं अगर कुछ शक्कर हमें लेना है फॉर एग्जांपल 5 kg, तो वहां जाके अगर माइनस में वहां पे नंबर हो तो शक्कर तो हमें कम आएगी, बराबर है। तो पहले उसे आपको चेक करना है, उसे मतलब जो कैलिब्रेट करना है। तो इसी तरह से लेबोरेटरी में या फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये रूटीनली वहां पे उनका कैलिब्रेशन होता है, एंड दैट इज ऑल्सो दी वन इंपॉर्टेंट रूल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्योंकि कुछ जॉब प्रोफाइल में वहां पे डिस्क्राइब किया होता है या फिर वहां पे मतलब मेंशन किया होता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कैलिब्रेशन का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन का। क्योंकि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जिनका एनुअली कैलिब्रेशन करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ईयर। तो इस तरह से ये, एंड द वेट ऑफ द कंपोनेंट शुड बी रिकॉर्डेड, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो अगर 3 ग्राम लगती है और ले लिया अगर 3 ग्राम, वो तो लेना ही है, उसके बाद वहां पे हमें उसका रिकॉर्डिंग भी मतलब जो भी अगर कुछ फॉर्मेट वगैरह होते हैं तो वहां पे उनका रिकॉर्डिंग भी वहां पे करना पड़ता है। देन हाँ व्हाट व्हाट आई टू सेंड, ओके ओके। कैलिब्रेशन मींस सपोज जस्ट आई हैव टोल्ड वन एग्जांपल हियर, व्हेन यू गो टू फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप टू परचेस शुगर फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर यू हैव टू परचेस हियर, या फिर व्हेन यू आर वर्किंग इन द लेबोरेटरी फॉर एग्जांपल इन कॉलेज आवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेबोरेटरी, सो व्हाट वी डू हियर, सो वी जस्ट मेक अ बैलेंस। ओके, या फिर हमें दैट मींस वी हैव टू चेक व्हाट एवर दैट इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग हियर वेदर इट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। ओके, सो
at particular interval, that pharmaceutical industry or that quality control department or that lab, any lab, whatever that, they have to calibrate their instruments. That means they have to check whether these instruments are properly working or not. So that is simply called as the calibration. So when you are using these instruments in the microbiology laboratory, at that time that instruments has to be calibrated. That means you have to check after a particular interval. So whether that whatever that instrument, for example, that may be the balance or any other, or that pH, for example, whether it is calibrated or not, or whether it is working properly or not. Otherwise, so what will or sometimes what will happens if that instrument it is not working properly. Just take an example of balance, for example. So after some times, if you are taking suppose or measuring that ingredients or the components or that dehydrated media, so maybe if you want to take that dehydrated media for, or it is for 4 gram, for example, and if that balance, if it is not working properly, or if it is not giving the proper balance, suppose we have set it on the 4 gram, for example, but when the balance will be takes, or when that dehydrated media you will take, and suppose it will be less than 4 gram, so sometimes that may be happen, and so that's why you have to regularly check whether that particular instrument is giving proper that results or not here, or whether that instrument is properly working or not. So for that you have to calibrate. That means you have to check that particular instruments regularly whether they are working properly or not. Okay, so that is the calibration. So that you have to you have to means in microbiology laboratory or in quality control department that can be done. So this is about the dehydrated media. Then that is simple here. What I told these slides, these are regarding the preparation of nutrient media. And whatever that glassware, for example, you are using, so preparation of that media in poorly clean glassware that can allow the entry or the inhibitory substances which can enter into the media. So this you have to keep in mind when you are using that particular glassware in the laboratory or in the quality control department for the preparation of media, for example. Okay, so at that time you have to keep in mind whatever that glassware you are using, that glassware should be clearly or it should be properly clean. Otherwise, if you are using poorly clean glassware, so that glassware can add the inhibitory substances in the nutrient media. Okay, and if that inhibitory substances are present in your nutrient media, so that will does not allow the growth of that microorganisms which are you are you wanted to grow, or they the results cannot be proper. Okay, and that's why you have to keep in mind during using these glassware, so that should be properly clean, or they the if they are poorly clean, so that will causes the problems. Then so whatever that inhibitory substances can be present in that poorly clean glassware, that can be come from the detergent residues. So you are using that detergent for the washing of that glassware, and after using that detergent, if you are not washing that glassware properly, so the residues of that detergent can be present on the glassware, and if same glassware you are using, okay, so that can add the inhibitory substances in your nutrient media. Okay, so that's why be sure that the cleaning process removes the debris or the residues of the that detergent or any foreign material. Okay, so that's why after using that detergent, you have to rinse that glassware properly so that the residues of that detergent can be removed completely here. So at that time, that glassware can be used. Okay. Then, so the sterilization media should be performed within the parameters provided by the manufacturer or the validated by the user. So whatever that dehydrated media you are using here, so you have to prepare that dehydrated media according to the instructions or according to the parameters which are given by the manufacturer, because that is written on the that container. So how to prepare that media? So if you have to do some additional processes that are mentioned here. Okay, so according to that you have to prepare, and that care should be taken in the while you are working in the quality control department or in the microbiology laboratory.
Then autocooling by the moist heat, we know that it is a preferred sterilization technique, and except in some cases, because there are some substances are there which can be heat labile, so that heat labile substances can be destroyed by this autoclaving, and therefore autoclaving of that substances should be avoided. So that substances can be sterilized by using the filtration technique, or that membrane filtration assembly we can see here, or filtration technique. So this is about the that is the same here. So what is important, so this is about the preparation of media again here, that effect of sterilization. And next one is here, improper heating. Suppose if you are not doing that heating properly, generally we know that heating by autoclaving, for example, it is done at the 121 degree Celsius for 15 minutes. Autoclaving जो हम करते हैं तो 121 degree Celsius से 15 minutes पे यहाँ पे करते हैं, so that will kills the all microorganisms, or that will sterilize the nutrient media. But if there is a improper heating or improper sterilization conditions, okay, so at that time that media you have to check for the proper sterilization takes place or not. And for example, that may result into the, so any improper heating or any improper sterilization conditions, if you are applying, if you are using, so that will causes the different changes in the nutrient media, and that can be identified by difference in the color change. Because we know that, you must know, for example, ki if that media is properly sterilized by proper conditions, sterilizing conditions, so how it will looks. And if suppose there is a overheating is there, suppose if that media is heated for longer duration, for example, so that will also causes the changes or in the appearance of that nutrient media. So there is a difference in the color change, then there is a loss of clarity, then altered gel strength is also there if there is a improper heating or improper sterilization is there. Then there is a pH drift will be there, or the pH of that media can be changed, as well as there is a reduced growth promotion activity or the selectivity. So if you are using improper heating of that nutrient media or improper sterilizing conditions, तो उस वक्त ये changes वहाँ पे हो सकते हैं. तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे कुछ changes उसमें दिखते हैं आपको, तो इसका मतलब है कि ये एक तो ओवरहीटिंग यहाँ पे हो गई मीडिया की, या फिर ये स्टरलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है. तो उसी वक्त एट दैट टाइम यू हैव टू अवॉइड यूज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट इन द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इन द फार्मास्यूट और इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी. एंड समटाइम्स देर इज अ रिड्यूस ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी. सो इफ यू आर यूजिंग सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया इन द ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, so as the name suggests here, growth promotion test, that is used to check whether that nutrient provides, or whether that nutrient medium supports the growth of that microorganisms or test organisms, okay. Then once you have prepared that nutrient media, after preparation of that nutrient media, it should be checked by the appropriate inspections of the plates as well as tubes. एक बार आपका मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया वहां पे तैयार हो गया है, सो एट दैट टाइम यू हैव टू चेक दैट न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द डिफरेंट पैरामीटर्स हियर. फॉर एग्जांपल, क्रैकिंग इन द कंटेनर्स और लीड्स, देन अनइक्वल फिलिंग ऑफ द कंटेनर्स, देन डिहाइड्रेशन रिजल्टिंग इन द क्रैक्स और द दैट डिम्पल सर्फेसेस ऑन सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया, हिमोलाइसिस, देन एक्सेसिव डार्कनिंग और द कलर चेंज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट मीडिया, क्रिस्टल फॉर्मेशंस आफ्टर पॉसिबल फ्रीजिंग, then excessive number of bubbles, microbial contamination, then lot number as well as expiration date, that should be checked and that should be recorded, then sterility of the media, nutrient media, whether it is properly sterile or not, that should be checked here. जैसे कि हमने sterility testing में देखा था, एक example दिया था मैंने, and cleanliness of the plates or the lids here or that glasswares. So that you have to check when you have prepared that media or when you are working in the microbiology laboratory or in quality control department. Okay. Then next one is here, the pH of that each medium should be confirmed after it has cooled to the room temperature. Okay, that is by
aseptically withdrawing the sample for the testing from that nutrient media. Aseptically, okay. Then refrigerated purchased media should be allowed to warm up to at the ambient temperature if it is to be checked for pH confirmation. अगर आपको pH से फिर से चेक करनी है, कंफर्म करनी है, तो वॉट एवर दैट न्यूट्रिएंट मीडिया यू रेफ्रिजरेटेड और प्रिजर्व और केप फॉर रेफ्रिजरेशन और फॉर द प्रिजर्वेशन, सो एट दैट टाइम व्हेन यू वांट टू चेक द pH और इफ यू वांट टू कंफर्म द pH ऑफ दैट न्यूट्रिएंट मीडिया, सो एट दैट टाइम यू हैव टू अलाउ टू वार्म दैट मीडिया अप टू रूम टेम्परेचर हियर और टू द एम्बियंट रूम टेम्परेचर. तो इस तरह से ये, so if there is a flat pH, generally if you want to confirm the pH of that nutrient media in the petri plate, for example, so at that time that is on the agar surface, so at that time there is a use of flat pH probe, okay, so that will allows the or that will detect the pH of that agar surfaces, and there is a immersion probe is recommended if that nutrient media is liquid. Okay, so that is immersed in the liquid media or that nutrient media, and that will detect the pH of that nutrient media, and the pH of media should be in the range of plus minus 0.2 of the value indicated by the manufacturer. Matlab unhone agar if they are mentioning, suppose the pH of that nutrient media should be 7, so you have to keep the range of or the pH of that nutrient media plus minus 0.2 at least. Okay, then media storage. Next point is here that we have to keep in mind in the microbiology laboratory or in the quality control department. So, ye jo, whatever I am explaining here, this is completely about the, that is, microbiological based laboratory practices. So, all this comes under the microbiological based laboratory practices. So, when you are working as a microbiologist, so all these things you have to keep in mind. Okay, and according to, or you have to keep in mind and you have to follow all these things. At that time only your results, whatever that test you are performing on that pharmaceutical product, that test will use the proper result. Otherwise, you have to recall that product from the market. Okay, if you are giving your result okay tested like that, if there is a, you are compromising that with guidelines or that test which are to be performed on the pharmaceutical products, so there may be possibility or there may be the recalling of that product for me from the market here. So that's why you have to keep in mind when you are working in a microbiology laboratory or in the quality control department here. So that so next point is here, that is about the media storage. Okay, so that manufacturers of media should use transport and the storage conditions that minimize the loss of moisture, क्योंकि यहाँ पे मीडिया का ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही पड़ता है मैन्युफैक्चरर को, बिकॉज दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट मीडिया इन वन सिटी फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज लोकेटेड इन द अदर स्टेट और अदर सिटी फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट्स वाई दैट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मीडिया दे शुड यूज ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट्स वाई दे हैव टू मेंटेन सच अ स्टोरेज कंडीशंस दैट विल cause the minimum loss of moisture, then control the temperature, or that can prevent the growth of microorganisms, or that can prevent the microbial contamination, and at the same time they will provide the mechanical protection to the prepared media, because they have to transport that nutrient media to the other cities for example, or other states for example, in that pharmaceutical industries or in that particular or generally any industries where that nutrient media required, that may be the research laboratories, that may be the food industries or whatever that. Okay, so after that media should be labeled properly with batch or the lot numbers and preparation as well as the expiration dates. Agar aap kuch media wahan pe prepare karke rakhe ho laboratories mein, to use properly label karna chahiye ki kaun se din pe ye nutrient media wahan pe prepare kiya hai. Generally aap matlab कुछ लोग आप करते होंगे कॉलेजेस में या फिर ऐसे कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दैट न्यूट्रिएंट मीडिया, जनरली वी मेंशन दैट डेट आल्सो मेनी टाइम्स, ओके, कि ऑन दैट पर्टिकुलर डेट दैट मीडिया इज प्रिपेयर्ड, सो सेम थिंग्स यू हैव टू फॉलो इन द व्हाइल वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी और इन द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. देन दैट मीडिया शुड बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस.
अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए है फॉर द स्टोरेज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट मीडिया, सो यू हैव टू फॉलो दैट देन, और यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू नो दैट. सपोज इफ दैट पर्टिकुलर मीडिया इज देयर देन यू हैव टू प्रिजर्व और कीप इन द लोअर टेम्परेचर. सो अगर ये हमें पता चलता है तो दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज हैविंग सच नॉलेज और हैविंग दिस नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल बेस्ड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस दैट विल कीप योर माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, योर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन अ गुड कंडीशन, और विच गिव्स लेटर ऑन प्रॉपर रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट विच आर परफॉर्म ऑन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. मतलब वहां पे एरर्स बहुत कम हो जाएंगे, नहीं तो उसके बाद भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जिसमें अगर कुछ एरर इस तरह से आता है तो फिर वहां पे क्या करना चाहिए, तो वो भी गाइडलाइंस वहां पे होते हैं. तो लेकिन अगर हम शुरू से ही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, ये अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द दैट USP 117 फॉर एग्जाम्पल, ओके 1117 फॉर एग्जाम्पल, या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल बेस्ड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के गाइडलाइंस की तरह से हम फॉलो करते हैं, तो दैट डिपार्टमेंट, दैट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, दैट विल बी इन अ गुड कंडीशन. और ये प्रोटेक्ट दैट स्टोर्ड मीडिया फ्रॉम द एक्सपोजर टू लाइट एज वेल एज एक्सेसिव टेम्परेचर, देन बिफोर प्रोलॉन्ग स्टोरेज दैट अगार प्लेट शुड बी प्लेस इन टू ए सील्ड पैकेज और इन टू ए कंटेनर टू प्रिवेंट दी लॉस ऑफ मॉइस्चर. ओके, तो मतलब ये इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम कुछ न्यूट्रिएंट मीडिया ज्यादा दिन तक या फिर प्लेट्स हम ज्यादा दिन तक स्टोरेज कर रहे हैं तो उसे हमें सील करके, पैकेज में सील करके रखना है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर. अगर वही प्लेट्स अगर आप चलो 10 दिन के बाद यूज करना है, 15 दिन के बाद यूज करना है, और टेम्परेचर अगर वहां पे कुछ ज्यादा होता है तो दैट मीडिया गेट डिहाइड्रेटेड, ओके, और देर इज अ लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम दी मीडिया, तो फिर वहां पे कंपनी तो आपको, एक तो जो भी आपका सीनियर वहां पे रहेगा वो भी आपको बोलेगा, और लॉस तो वहां पे होगा ही. ओके, देन तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट मीडिया का यहाँ पे आपको रखना है यार, देन आफ्टर दैट यू हैव टू यूज दैट मीडिया हियर, सो दैट इज मेंशन हियर. देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो दी इन दी और दैट इज अंडर दी माइक्रोबायोलॉजिकल बेस्ड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग. सो ऑल्दो दैट ग्रोथ मीडिया कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और दैट इनग्रेडियंट्स, बट इन मेनी लेबोरेटरीज देर इज अ यूज ऑफ डिहाइड्रेटेड मीडिया विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ओके, और विच कैन बी कमर्शियली प्रिपेयर इन दी प्लास्टिक प्लेट्स और इन दी ग्लास कंटेनर्स. सो इन दिस वे दैट मीन्स यू हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट मीडिया ऑल्सो विच इज अवेलेबल और विच इज परचेस डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स. सो दैट्स वाई क्वालिटी कंट्रोल्स, सो इफ यू आर परचेसिंग दैट न्यूट्रिएंट मीडिया, इफ यू आर परचेसिंग दैट इंग्रेडियंट्स फॉर एग्जाम्पल और दैट कंपोनेंट्स, देन यू हैव टू परफॉर्म सम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑन दैट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मीडिया और प्रिपेयर्ड मीडिया इंक्लूडिंग दैट आर एसोसिएटेड विद द स्वैप्स और द मीडिया 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 स्ट्रिप्स एंड अदर नॉन ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स हियर. मतलब वहां पे भी क्वालिटी टेस्ट आपको करना है, एंड दैट टेस्ट विच आर रूटीनली परफॉर्म इन द और ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया दैट इंक्लूड्स पीएच और चेकिंग ऑफ पीएच, देन ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, इनहिबिशन, देन पीरियोडिक स्टेबिलिटी चेक टू कंफर्म द एक्सपायरेशन डेटिंग ईयर, क्योंकि वहां पे लिखा होता कि एक्सपायरेटी डेट ए है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि या मतलब वहां पे सेपरेट गाइडलाइंस होते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर रिएजेंट वी कैन से, मीडिया वी कैन से, और इंग्रेडिएंट्स वी कैन से, वेदर दीज आर स्टेबल और नॉट. कि प्रिपेयर कभी भी जब हम मतलब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं तो व्हाट वी जनरली डू, सम रिएजेंट, सम न्यूट्रिएंट मीडिया वी ऑलवेज यूज फ्रेश, ओके, बिकॉज इफ यू आर कीपिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दैट रिएजेंट्स और दैट न्यूट्रिएंट मीडिया बिकम अनस्टेबल, सो देर इज अ पीरियोडिक स्टेबिलिटी चेकिंग इज ऑल्सो देयर. सो दिस पार्ट दैट मे बी द चेकिंग ऑफ पीएच, दैट मे बी द चेकिंग ऑफ ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट और ईयर और दैट इनहिबिशन और दैट स्टेबिलिटी चेकिंग दैट आर दैट कम्स अंडर द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हियर. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू परफॉर्म दैट टेस्टिंग हियर, एंड इफ द मीडिया प्रिपरेशन प्रोसीजर्स आर नॉट वैलिडेटेड, सो व्हाट इज दैट मीडिया प्रिपेयर्ड एंड इफ दैट
procedure is not validated. Validated in the sense here, ki if it is not properly done, or if that steps or that procedures are not giving the proper nutrient media, so at that time you have to use the different procedures we can see here, or different steps for the preparation of media or for the method development also, okay, including that growth promotion testing. So this is also same thing is here, that is not very important. So the next point is here, that is okay. So this was about the quality control test here, that is for different reagent, different nutrient medias. And for example here, there are some reagents are there which are used for the diagnostic purposes, okay, diagnostic purposes, so that we can confirm or we can identify the different types of microorganisms. For example, there is the gram staining reagents are there, oxidase test reagents are there, some enzymes are there, some other sugar reagents are there. So that should be maintained, or the stability of that reagents can be checked. क्योंकि ग्राम स्टेन की भी अगर हम मतलब देखते हैं कि एक बार हम प्रिपेयर करके रखते हैं तो थ्रू आउट द ईयर वी यूज दैट रिएजेंट्स, वी यूज दैट स्टेन्स फॉर एग्जांपल लाइक दैट ईयर, ओके. सो बट इन व्हेन यू आर वर्किंग इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी और इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सो एट द पीरियडिक इंटरवल्स और एट द पीरियडिक टाइमिंग्स यू हैव टू चेक ऑल दीज रिएजेंट्स, यू हैव टू चेक ऑल दीज स्टेन्स फॉर एग्जाम्पल और न्यूट्रिएंट मीडिया और दैट रिएजेंट्स whether they are stable or not, that you have to check regularly, and uske documentation bhi aapko wahan pe rakhna padta hai, okay. Then maintenance of the microbiological cultures abhi, so because many times so we have to maintain these microbial cultures in that quality control department or in that microbiology laboratory, because routinely you are performing many tests by using the test organisms, okay. So when you are using the test organisms, at that time you have to maintain the culture of that microorganisms properly or in a proper way, and that can be maintained in the that can be acquired by the frozen or in the freeze dried, that is on the slants or in the ready to use forms, okay. And that cultures, all these cultures are called as the stock cultures, okay. And these stock cultures, these are very important, because from that stock cultures you are taking the sample, you are taking the test organism, okay, to perform the particular test. So that may be the for example, whatever that last we have seen, antimicrobial efficacy testing, so in your laboratory you are having the stock culture of that bacteria or that yeast or that mold, and when you want to perform that antimicrobial efficacy testing, so at that time you will require or you will take the cultures from this stock cultures here for the actual test. So that's why it is very essential to maintain all these test organisms, all these stock cultures in the laboratory in a proper way, so that you will inhibit or you will minimize the chance of contamination of the stock culture or of this pure culture. So jiski wajah se aap ye stock culture ke contamination wahan pe prevent kar sakte ho, theek hai. And as I told, that stock cultures can be preserved or transferred to the vials, and that can be frozen at minus 30 degree Celsius or less than temperature, okay. So if you are storing that cultures or that bacteria or that microorganisms at minus 70 degree Celsius, or that is in the lyophilized form, that is a lyophilization, it is one of the stock culture maintenance procedure or method, okay. So in this different way you can preserve the culture of that microorganisms, so that the contamination can be decreases, okay. And the number of transfers in the sense here, subculturing we can see here, okay. So any form of subculturing, if you are transferring that culture, for example, from one tube to another tube, so this is the one transfer, this is the one passage, or this is called as the subculturing, okay. So that's why, like, in the number of transfers allowable for specific compendial test, that may be specified in that test. मतलब जो कि पुराना कल्चर भी हम ज्यादा वहां पे नहीं यूज कर सकते, तो वहां पे आपको कम से कम सब कल्चरिंग वाला, कम से कम ट्रांसफर वाला, कम से कम पैसेज वाला कल्चर वहां पे आपको यूज करना है.
The next one is about the laboratory equipments. Okay, so there are, we know that different types of laboratory equipments are in the microbiology laboratory or in the quality control department, including these incubators, water baths, autoclaves, and they are subjected to the standard validation practices. मतलब जो भी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे होता है, एक तो प्रॉपर वैलिडेशन उनका होता है, मतलब प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर वहाँ पे होती है. उसके बाद हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का, हर एक इक्विपमेंट का वहाँ पे कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है. सो एडिशनली देर इज अ पीरियडिक कैलिब्रेशन. जनरली द कैलिब्रेशन इज डन एनुअली एंड इट इज कॉमनली रिक्वायर्ड. मतलब ऐसा नहीं होता कि चलो आज इक्विपमेंट हमने परचेस किया है और वहाँ पे उन्होंने हमें चेक करके दिखाया था कि ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, सो व्हाट एवर दैट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज हियर, इट इज प्रॉपरली वर्किंग. हमने सपोज दैट वी हैव परचेस फ्रॉम द दैट मैन्युफैक्चरर्स, इट इज इंस्टॉल और दैट व्हाट एवर दैट इंस्ट्रूमेंट और दैट सिंपली बैलेंस, इट इज नाउ इन आवर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और इन आवर माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी एंड वी आर स्टिल यूजिंग दिस बैलेंस दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स. दो ईयर से हम ये यूज कर रहे हैं लेकिन हमने एक भी बार फिर से इसे चेक नहीं किया कि वेदर इट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट. जस्ट वी आर टेकिंग इनग्रेडियंट्स, वी आर मेजरिंग ऑन दैट बैलेंस एंड वी आर प्रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट मीडिया. सो इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, सो दैट विल कॉज द एरर्स इन यूर प्रोसीजर्स इन यूर टेस्ट. ओके, सो दैट्स वाई देर शुड बी पीरियडिक कैलिब्रेशन. तो इसीलिए वहां पे पीरियडिक कैलिब्रेशन होना चाहिए. पीरियडिक कैलिब्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट वहां पे आप यूज कर रहे हो, ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको आपको चेक करना है, इसका कैलिब्रेशन वहां पे आपको करना है. तो इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस कैलिब्रेशन, हाउ दैट ऑटोक्लेव इज कैलिब्रेटेड, हाउ दैट इनक्यूबेटर इज कैलिब्रेटेड, हाउ दैट पीएच मीटर इज कैलिब्रेटेड, हाउ दैट बैलेंस इज कैलिब्रेटेड, हाउ दैट स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मीटर इज कैलिब्रेटेड, हाउ दैट कैलोरीमीटर इज कैलिब्रेटेड, अगर ये आप सबको ये इसका नॉलेज है तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी यूजफुल टू योअर इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल. क्योंकि एंड यू कैन यू टू गेन सच नॉलेज, ओके, वेन यू आर वेन यू कम अक्रॉस टू द पर्टिकुलर एड. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ जॉब प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन इज गिवन कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई करने वाले हो, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मेथड डेवलपमेंट, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. तो ये ऐसा कुछ वहां पे मेंशन किया होता है. तो उसी वक्त आप आज भी अगर उस पर्टिकुलर क्राटे में नहीं बैठते हो तो भी आपको उस पर्टिकुलर जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे गेन करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको फाइंड आउट करनी चाहिए. क्योंकि अगली बार जब कोई ऐसी फिर से ऐड आती है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि चलो ये जो डॉक्यूमेंटेशन का था, लास्ट बार ऐड आई थी उस वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन जब पिछली बार मैंने ऐड देखी है उसके बाद मैंने कैलिब्रेशन क्या है, ऑटोक्लेव का कैलिब्रेशन क्या ऐसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ये मैंने पढ़ा है, नाउ आई कैन अप्लाई हियर और इफ एनी क्वेश्चन विल बी आस्क इन द इंटरव्यू ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो आई कैन गिव द आंसर. तो इस तरह से जब आप कोई भी ऐड देखते हो तो अगर आज भी अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो उसे अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया होता है तो उसके बारे में कम से कम आप पढ़ते चलो, वो इन्फॉर्मेशन आप गेन करते चलो. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू इन द फ्यूचर. तो इस तरह से मतलब ये कैलिब्रेशन वहाँ पे करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या फिर वो माइक्रोबायोलॉजी लैब में, चाहे वो कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट्स हो. सो दैट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल पीएच मीटर्स और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, वी नो दैट दे आर यूज इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी एंड दैट शुड बी कैलिब्रेटेड ऑन ए रेगुलर शेड्यूल एंड टेस्टेड टू वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑन ए रूटीन बेसिस. मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि चलो आज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर परचेस करके लाया, चेक एक बार चेक हो गया, अच्छे रिजल्ट दिए, प्रॉपर रिजल्ट दिए और एक साल भी हो गया फिर से, तब भी हमने वहां पे फिर से चेक नहीं किया कि वेदर दैट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज गिविंग प्रॉपर रिजल्ट्स और नॉट. ओके, मतलब ये रूटीनली देखना पड़ता है एंड पीएच मीटर्स और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी देट शुड बी कैलिब्रेटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस ऑन ए रेगुलर शेड्यूल. ओके, सो एंड देर आर सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो देयर विच आर डिफिकल्ट टू सैनिटाइज, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स, इनक्यूबेटर्स. सो इन सच केसेस
दैट शुड बी डेडिकेटेड टू द असेप्टिक ऑपरेशंस। तो ये जो सो बिकॉज ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स जनरली दे आर यूज टू स्टोर द न्यूट्रिएंट मीडिया और टू स्टोर प्रिजर्व द बैक्टीरियल कल्चर्स ऑल्सो और दैट माइक्रोबियल कल्चर्स ऑल्सो एंड देयर फोर दिस न्यूट्रिय दैट इक्विपमेंट्स विच आर जनरली डेडिकेटेड टू द असेप्टिक ऑपरेशंस फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज ऑफ मीडिया विच आर यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पजेस और द इनक्यूबेशन ऑफ स्टरिलिटी टेस्टिंग सैम्पल्स एंड लाइव कल्चर ऑपरेशंस सो दैट टू मिनिमाइज द पोटेंशियल और द चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ दिस टेस्ट। मतलब जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे कम से कम वहाँ पे कंटेमिनेशन हो जाएगा। अगर आपके फ्रिज में ही रेफ्रिजरेटर में वहाँ पे कंटेमिनेशन है और वहीं से आप न्यूट्रिएंट मीडिया उठा रहे हैं एंड दैट आर यूजिंग इन द स्टरिलिटी टेस्टिंग और एनी अदर इंपॉर्टेंट टेस्टिंग सो दैट विल कॉजेस द चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन हियर। और आपके जो टेस्ट रिजल्ट रहेंगे वो वहाँ पे फॉल्स भी आ सकते हैं या फिर वहाँ पे एरर्स वहाँ पे कुछ होते रहेंगे। तो इस तरह से ये वहाँ पे करना पड़ता है। देन लेबोरेटरी लेआउट एंड ऑपरेशन दैट इज नॉट सो मेनी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद जो है सैंपल हैंडलिंग। ओके सो दिस इज यू कैन रीड दिस ईयर लेबोरेटरी लेआउट एंड ऑपरेशन देन सैंपल हैंडलिंग। उसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया इंक्यूबेशन टाइम्स। ओके सो इंक्यूबेशन टाइम्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ लेस देन 3 days ड्यूरेशन जनरली दैट शुड बी एक्सप्रेस इन hours. सी सो इफ यू आर वर्किंग इन अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वेन यू आर वर्किंग इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड व्हाट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सेज और व्हाट इट टेल्स अस इट टेल्स दैट इफ द इंक्यूबेशन पीरियड इफ इट इज लेस देन 3 days. ओके सो एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन दैट इंक्यूबेशन पीरियड इन द hours. तो आपको ये hours में मेंशन करना है। यू हैव टू रिकॉर्ड दिस इंक्यूबेशन पीरियड इन द डॉक्यूमेंटेशन इन hours. फॉर एग्जाम्पल इंक्यूबेट एट 30 degrees Celsius टू 35 degrees Celsius फॉर 18 to 72 hours. ओके मतलब यहां पे दैट इज लेस देन 3 days 72 hours means. ओके सो हियर यू हैव टू मेंशन दिस इंक्यूबेशन पीरियड यू हैव टू नोट दिस इंक्यूबेशन पीरियड इन hours. एंड इफ द टेस्ट लॉन्गर देन 72 hours ड्यूरेशन इंक्यूबेशन इज देयर देन यू हैव टू मेंशन इट इन द डेज। ओके इफ इट इज मोर देन 72 hours सो एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन यू हैव टू रिकॉर्ड दैट इंक्यूबेशन पीरियड इन द डेज। फॉर एग्जाम्पल इंक्यूबेट एट 32 to 35 degrees Celsius फॉर 3 to 5 days. तो यहां पे हम नहीं कैलकुलेट करेंगे hours में नहीं लिखेंगे। 3 दिन से ज्यादा अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर इंक्यूबेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मतलब डेज में मेंशन करना है। आपको यहाँ पे मतलब एग्जांपल एक यहाँ पे बता दिया मैंने। ओके तो इस तरह से ये इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। ओके सो व्हाट एवर दैट पर्सन विच एवर दैट पर्सन दीज आर एंगेजिंग इन द ईच फेज ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे शुड हैव द एजुकेशन दे शुड हैव द ट्रेनिंग एंड दे शुड हैव द एक्सपीरियंस टू डू हीज और हर जॉब। अगर आप वहां पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे एक बार अगर आप ज्वाइन हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी कुछ भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन यू विल रिक्वायर अ ट्रेनिंग यू विल रिक्वायर अ एक्सपीरियंस यू विल रिक्वायर अ एजुकेशन। ओके एंड द डिमांड्स ऑफ दैट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग दैट विल रिक्वायर्स दैट द कोर एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द स्टाफ सुपरवाइजर्स मैनेजर्स दैट मे बी इन द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और मे बी इन द बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट हियर। ओके सो दे हैव टू दैट दे शुड बी असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कीपिंग देयर लेवल ऑफ स्किल एज वेल एज एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप मतलब कोई वहां पे आपका प्रमोशन होता है तो उस पर्टिकुलर जॉब का नॉलेज आपको होना चाहिए या फिर कुछ ट्रेनिंग अगर आपने लिया होता है पहले तो नाउ यू विल बिकम एलिजिबल टू फॉर द प्रमोशन वी कैन सी हियर। ओके एंड देर शुड बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज नेसेसरी टू रन इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। क्योंकि ये भी नॉलेज वहाँ पे होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ की जो भी SOPs होती है वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वहाँ पे होती है दैट यू हैव टू फॉलो।
And that these procedures, they have two purposes. जो SOPs वहाँ पे होती है, purposes in the training program. One is these SOPs describe the methodology that the particular microbiologist have to follow to obtain the accurate as well as to obtain the reproducible results. क्योंकि अगर अगर आपको SOP का training होता है, SOP का knowledge अगर आपको होता है, and if you are following that SOPs, so you will get a proper results or you will get a reproducible results whatever that test you are performing. This is the one purpose.